जेल को लेके लोगों को बड़ी डर सा लगता है। आपने जब एक शुरुआत की तो आपको कभी ये नहीं लगा कि यार जेल में काम कर रहा है? घर वालों की तरफ से कभी इस चीज़ को लेकर अपोज नहीं हुआ? फैमिली में किसी ने ये नहीं कहा कि यार आप ये क्या काम कर रहे हैं? किसी ने उसको ईगो को हर्ट किया और उसने कैंची मार दी उसको, सर को बहुत गुस्सा आया, उसको तनाई में भेज दिया। बहुत सारे कैदियों के बच्चों की फीस भर देती हैं। अरे बहुत सारों को सपोर्ट में साथ में रख लेती हैं। एक लेडी थी जो टेरी साइड की थी, वो हमेशा बोलती थी कि तू मुझे यहाँ से निकाल दे, मेरे को इस मिट्टी में नहीं मरना। आमतौर पर जेल को लेकर बहुत सारे पूर्वाग्रह होते हैं। मान लिया जाता है कि जो एक बार जेल चला गया वो उसकी मानसिकता उस तरह की हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इस समय जिला कारागार देहरादून सुद्धोवाला में हैं और यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जेल में जो लोग हैं इनमें से बहुत सारे जाने अनजाने किसी तरह के अपराध में संलिप्त हो गए, लेकिन उनको किस तरह से दोबारा मुख्य धारा में जोड़ने की पहल हो रही है, इसी तलाश में हम आज सुद्धोवाला जेल में आए और चलते हैं, जानते हैं और मिलते हैं कमाल की शख्सियत से जो कई सालों से इस क्षेत्र में काम कर रही है और वो कोशिश कर रही है कि जब इनमें से कुछ लोग, जब ये लोग बाहर जाएंगे, जब ये लोग समाज में मुख्य धारा से जुड़ेंगे तो एक बेहतर आदमी बनकर एक अच्छी सोच, एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ यहाँ से बाहर जाएंगे। देखिए, जिला कारागार सुद्धोवाला में जो है, चाहे वो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हों चाहे कैदी हों, उनके लिए हम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम जो है आयोजित कर रहे हैं। उनके पुनर्वास के लिए, उनके कारागार में जब तक रहें वो ठीक प्रकार से रहें, एंजाइटी से मुक्त रहें, एक हेल्दी लाइफ जी सकें, इसके लिए जो है हम लोगों ने विभिन्न एनजीओ के और समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों से संपर्क करके उनके लिए बहुत से संसाधन जुटाने की कोशिश करते हैं और उनके सहयोग से ध्यान योग के कार्यक्रम, स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स और उनके मानसिक, चारित्रिक और नैतिक उत्थान के लिए विभिन्न गतिविधियां जो है समय समय पर आयोजित हम करते रहते हैं। यहाँ लगभग 1500 कैदी हैं और कैदी जब यहाँ आता है उसने अपराध क्या किया है, क्या नहीं किया, ये हम कभी जानने का प्रयास नहीं करते हैं। ये हमें मालूम है कि वो मानसिक रूप से टूटा हुआ होता है और उसको एक स्ट्रेस रहता है। उस स्ट्रेस को दूर करने के लिए विभिन्न संगठन काम कर रहे हैं, जिसमें मनोरभव काफ़ी लंबे समय से काम कर रहा है। मनोरभव की जो चेयरपर्सन है डॉक्टर गिरवाल अजवाल, वो लगातार पिछले 4 साल से, तो मैं ही देख रहा हूँ, सुबह 8 बजे आना और 3 बजे तक रहती हैं, कैदियों के साथ इंटरेक्ट करना, उनको नैतिक शिक्षा देना, उनकी हीलिंग करना, उनको प्राणिक हीलिंग के कोर्स सिखाना, उनके साथ संगीत के द्वारा उनका स्ट्रेस को दूर करने के लगातार वो प्रयास करती हैं और इससे निश्चित तौर पर कारागार प्रशासन को बंदियों की एनर्जी को पॉजिटिव रखने में बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। Thank you.
सबसे ऊंचे ईश्वर को, समस्त आध्यात्मिक गुरुजनों को, देवदूतों को, पैगंबरों को हम हृदय से धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना करते हैं उनके दिव्य आशीर्वादों के लिए, दिव्य प्रकाश, मार्गदर्शन, सहायता, सुरक्षा, दया और प्रेम के लिए। पूर्ण विश्वास के साथ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यहाँ क्यों है, प्रॉब्लम में क्यों फंसे? सब लोग बहुत अच्छे हैं, जो भी इस क्लास में बैठा है वो स्पेशल बच्चा है। और ये जो ये सीख रहे हैं आप, ये ज़िंदगी बेहतर बनाने के साथ एक अच्छे समाज को बनाने के लिए आप तैयार हो रहे हैं, नहीं है कि हम अपना दूसरों के लिए बहुत अच्छा कैसे कर सकें। तो ये सब सीखना क्या है, हीलिंग के जरिए। हीलिंग मतलब पहले अपने शरीर को साधना है, निरोगी बनाना है, उसके बाद अपने मन पे कंट्रोल करना है, अपने संबंधों को अच्छा करना है, और हमारे पास पैसा कमाने के साधन आए, मौके मिले, उसको अपना प्रबल बनाना है कि कैसे कारण, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके सब के सब यहाँ आपको रास्ते मिलते हैं, वे ऑफ लाइफ मतलब जीवन जीने का रास्ता मिलता है आपको। तो इसके लिए सिर्फ क्या करना पड़ता है, हमें गोल्डन रूल फॉलो करने पड़ते हैं, जीवन के सुनहरे नियम कैसे पालन करने हैं। तो ज़्यादातर लॉ ऑफ कर्मों में सबने समझा ना इसको, तो ये क्या क्या है, इसमें एक शरीर को साधते हैं एक्सरसाइज, दूसरा हम प्राणायाम करते हैं नाड़ियों की सफाई, है ना, एक्सरसाइज हमारे शरीर की सफाई करती है, नाड़ियाँ प्राणायाम हमारा नाड़ियों की सफाई करती है, प्रेयर हमें ईश्वर से जोड़ती है जिसने हमें बनाया, उसके बाद जो ध्यान है वो हम उसके द्वारा ऊर्जा प्राप्त करके अपनी जितनी तरह की समस्याएं उनसे दूर होते हैं। तो वो चीज़ हम यहाँ सीखते हैं और एक अच्छे नागरिक बन के यहाँ से, लोग सोचते हैं इस जगह पहुँचे हैं तो कुछ गड़बड़ है, तुमको सबसे बढ़िया चीज़ मिल रही है यहाँ रहकर सीखने के लिए, ये मौका मिल रहा है, तो आप और लोगों से ज़्यादा बेहतर नागरिक बनेंगे बाहर जाके, हमें विश्वास है जो पूरा सीखते हैं। जब हम इस क्लास में आए तो हमारी ये जानने में दिलचस्पी थी कि यहाँ पर गिरिवाला मैम जिन लोगों को ट्रेन कर रही हैं, हीलिंग सिखा रही हैं, उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं, उन्होंने क्या सीखा है, और अब वो कैसा महसूस कर रहे हैं जब वो पहले यहाँ आए थे, और अब जब कुछ समय बाद जब ये चीज़ें सीख चुके हैं तो उनकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं। आप कब से हैं यहाँ, और जब आपने इस क्लास को ज्वाइन किया तो उसके बाद आपकी लाइफ में क्या चेंज आया यहाँ रहते हुए, और अब आप जैसे कि औरों को भी काफ़ी सिखाते हैं और उसे भी बातचीत करते हैं, तो कैसे देखते हैं इस पूरी प्रक्रिया? एजुकेशन की बात करें तो मैं MSc फिजिक्स और PhD की हुई है फिजिक्स में, और अब से पहले डॉक्टरेट करने के बाद में बहुत सारी भ्रांतियाँ होती हैं कि ऐसा नहीं होता, ये कुछ नहीं होता, लेकिन हीलिंग करने से जो हमारा गॉड है उसकी सेंसिंग करना, जो हमारे शरीर के अंदर बीमारियां हैं उनको हम सेल्फ सेंस कर सकते हैं, हमें किसी की डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है, हम अपनी सारी जितनी बीमारियों को अपने आप सेंस कर सकते हैं और उन्हें ठीक भी कर सकते हैं। हीलिंग प्रोसेस हम इसे एक भ्रांति की तरह मानते थे अब से पहले, लेकिन जब से हमने हीलिंग को सीखा है तो हमें पुरानी पद्धति याद आ गई है। मैं कम से कम 18 महीने हो गए मुझे यहाँ पे। इस 18 महीने में 3 महीने में टेरी रहा, उसके बाद 3 महीने के बाद मुझे ट्रांसफ़र यहाँ हो गया, ऐसे सरकारी कुछ गड़बड़ी मतलब घपले से कुछ उनके चक्कर में आया। यहाँ आने के बाद ये देखा कि बहुत डिप्रेशन में होने लगे, डिप्रेशन में अक्सर भी हो ही जाता है, कैदी तो डिप्रेशन में ही रहते हैं। यहाँ आने के बाद तो किसी के माध्यम से पता चला कि यहाँ हीलिंग क्लास होती है, हमने आते के साथ हीलिंग क्लास ज्वाइन कर दिया। हीलिंग क्लास जब से ज्वाइन किया तब से मैं आज तक तो खैर जुड़ा हूँ, पर अब इसके बारे में बता, इसके बारे में ये है कि कभी हम डिप्रेशन में नहीं होते। सबसे पहले काम हीलिंग के माध्यम से बहुत सेंसिंग करना, स्पिरिचुअलिटी होती है जो हम कभी कोई क्लास या कहीं भी हमें नहीं मिलेगी ऐसी चीज़ सीखने के लिए। और यहाँ पे आने से पहले तो इतनी निगेटिविटी थी, लगभग सभी में होती है, अंदर बैरिंग में तो बहुत ज़बरदस्त है, और जब हमें यहाँ पे बताया कि भाई यहाँ पे हीलिंग होती है, मैं पहले योगा में होता था कुछ लोगों के साथ, तो जैसे ही पता चला भाई यहाँ हीलिंग होती है, हमें बाहर तो ये पता ही नहीं था हीलिंग होता क्या है, बिल्कुल नहीं पता था। तो ऐसे आने लगे, शुरू में तो ये सोचा था कि चलो टाइम पास,
जाके बैठेंगे, सुनेंगे, अपना दो एक घंटा कट जाएगा, अपना छुट्टी दो तीन दिन तो ऐसे ही सबके साथ होता है। फिर धीरे 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 पता लगने लगा कि हाँ ये ऐसा है, नेचुरल विज्ञान कह लो और नेचुरल पद्धति, बिल्कुल नेचुरल इलाज और अध्यात्म से जुड़ना सबसे बड़ी बात। यार हमें यही नहीं पता कि अगर हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं तो किस तरह करना है कैसे, किसी को कुछ नहीं पता होता, यहीं आ गए इसमें हीलिंग से सब कुछ ज्ञान प्राप्त यहीं से होता है। हमें तो धीरे धीरे आके अब बाहर अंदर मन ही नहीं लगता, अब आप सोचते हैं कि यार सैटरडे संडे को भी ये सोचते हैं किसी तरह हीलिंग की क्लास चले और हम उसमें चले जाएं। 8 अक्टूबर पिछले साल यहाँ आना हुआ, तो आने के बाद जैसा कि सभी को पता है यहाँ डिप्रेशन में रहता है बंदा, तो मेरे को बैरिक में एक ऐसी सीट मिली जहाँ पे मुझे लगभग 4 महीने नींद नहीं आई। तो लोगों ने ये क्या रंजीत, मिस्टर रंजीत एक दिन आके कहने लगे सर हीलिंग कर लो। मैंने कहा सर क्या है हीलिंग, नाम तो सुना था लेकिन इसके बारे में ज़्यादा विस्तार से पता नहीं था। तो मैं आया इनके साथ, तो मैंने आते ही मैडम हमारी जो ट्रेनर हैं उनसे पूछा, मैम मेरे को इतनी समय से नींद नहीं आ रही। तो उनने जो भी जो हमें गुरु अभ्यास प्रेयर कराई, उन्होंने कहा कि कंटिन्यू आप सोते जब तक नींद नहीं आ जाती आप प्रेयर कीजिए। और उस जगह पर मैं मुझे बहुत बड़े ख़राब सपने आते थे, तो उस रात से मुझे नींद आई तो मुझे बिलीव हो गया कि हीलिंग में बहुत पावर है। तो ये हीलिंग सामान्य रूप से जो मेरी समझ है, हीलिंग माने एक जांच है, जो जांच हीलिंग को मैं जांच की संख्या कहूँगा, जो सीधे डिवाइन जो ईश्वरीय सत्ता से, और जो हमारा ऑरा है जनरली आपने देखा होगा ऑरा आम आदमी जानता नहीं है, जैसे हमारे भगवान जी के चित्र के सिर के चारों ओर जो गोल घेरा बनता है सिर के बाहर, दैट इज ऑरा। तो वो पूरे बॉडी में होता है, वो हर वस्तु में होता है, लेकिन उसकी जांच हम नहीं कर पाते। लेकिन इस हीलिंग क्लास में आने के बाद जो ये प्राणिक ऊर्जा के माध्यम से उसकी जानकारी प्राप्त होती है और धीरे धीरे पूरे बॉडी की जो रोग हैं और जो अन्य बीमारियाँ हैं उन सब की जानकारी यहाँ आगे होने लगी। अब तो यहाँ तक कि जैसा लोग कह रहे हैं, हम जो पुराने लोग हैं संभवतः सभी अपने पास जाके अपने बैरक में अपनी हीलिंग भी करते हैं, दूसरों की भी करते हैं, जितना हो सके मदद करते हैं, काफ़ी लोगों को बीमारियों से मुक्त भी कराया है। सर जब मैं जेल के अंदर आया था तो मुझे काफ़ी सारी टेंशन थी, बाहर की भी सोचता था मैं, तो मेरे सिर में दर्द होता था, तो मैं हीलिंग क्लास मैंने ज्वाइन करी, तो उससे मैम ने बताया कि ये मतलब चक्रा के बारे में सिर की सेंसिंग करी, तो मुझे कुछ फ़ायदा होने लगा। तो मैंने देखा कि इस चीज़ से फ़ायदा होता है, जब से मैं क्लास जाने लगा, फिर मैं जब भी लापरवाही करने लगा फिर भी नहीं जाता था। तो हमारे सौरभ सर हैं और अनुराग सर हैं, इन्होंने बोला जा क्लास में, क्लास देख फ़ायदा मिलेगा। तो फिर मैं गया, फिर वाकई में मुझे फ़ायदा मिला, अच्छा भी लगा और अब काफ़ी सारी टेंशन दूर है और अच्छा लगता है सर। I'm here since 3.5 months. तो जब मैं यहाँ पे आया इन द वेरी बिगनिंग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था मैं, कि यार तू कहाँ आ गया, इतना वेल एजुकेटेड है, MBA किया था, बैंकों में नौकरी करी, ये करा वो करा, तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी जगह पे आना ही पड़ जाएगा, क्योंकि बैकग्राउंड भी पुलिस का था, घर वाले पुलिस वाले थे, कि यार तू कहाँ किस क्या समय की क्या विडम्बना है कि कहाँ तेरे को पहुँचा दिया। तो मैं बैरिक में ऐसी सुस्त रहता था, बड़ा उदास रहा। तो मेरे एक बैरिक में एक मेरे व्यक्ति हैं मिस्टर अमित करके, उन्होंने मेरे को बताया हम वहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे एक हीलिंग क्लासेस वगैरह होती हैं और यहाँ पे देयर आर सेवरल थिंग्स यू कैन ज्वाइन, जैसे योगा क्लासेस वगैरह भी हैं। मैंने ठीक है, आई एम रेडी टू डू इट। मैं आया यहाँ पे इन द वेरी, मैं मैडम से मेरी मुलाकात हुई ज्वाइल मैम से, तो मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ, काफ़ी इनकी बातचीत सुनी। तो फिर बिगनिंग में ही अभी जैसे प्राणा को सीखना देखना वो सब चीज़ें हमको दिखाया गया, तो काफ़ी मेरा मतलब एक जो जहाँ मैं बंद था वो थोड़ा सा खुला, मैं मेरा दिमाग थोड़ा सा विस्तार करने लगा, देन स्लोली आई लर्न अबाउट इट। जेल को लेके लोगों को ही डर सा लगता है,
आपने जब एक शुरुआत की तो आपको कभी ये नहीं लगा कि यार जेल में काम कर रहा है? और ये कैसे शुरुआत हुई, कभी आइडिया आया कि मुझे ये काम करना है? और जो जेल में अंदर कैदी रहते हैं उसमें से बहुत सारे अंडर ट्रायल हैं, बहुत सारे ऐसे हैं कि कुछ जाने अनजाने में जिनसे अपराध हो गए, कुछ आदतन अपराधी भी होते हैं, लेकिन आपको कब लगा कि मुझे इन लोगों से काम करना है? और वही जो मैंने कहा कि कभी डर नहीं लगा इस बात से? नहीं, डरती तो नहीं हूँ मैं। कोई भी समस्या सामने आए तो मुझे लगता है कि जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन है। और ये भी आम इंसान है, जब मेरे हस्बैंड रिटायर हुए, वो सेल्फ कंजर्वेशन से प्रिंसिपल साइंटिस्ट रिटायर हुए, तो हमने यहाँ घर बनाया जेल के पास। बाई चांस हमें ये जगह मिली तो ये बिल्कुल नज़दीक था, तो मैं देखती थी कि यहाँ लोग बंद हैं, बाहर कोई दिखता नहीं है, इनकी ज़िंदगी कैसी होगी। तो ये भावना मुझे मिली कि मेरे को इनके ये कुछ करना है। तो ये तो अंदाज़ा, हम लोग सेंसिटिव हैं तो हमें पता है कि कोई अगर बंद है तो कितनी परेशानी में होगा, उसकी फैमिली कितनी परेशान होगी। तो ये सोच करके मेरी एक फ्रेंड थी नीना कैंथुला, उनके साथ में आई, वो यहाँ वर्कशॉप से लेती थी कालीन वगैरह। तो उनके साथ जब मैं आई तो यहाँ वर्मा जी थे। वर्मा जी से मैंने पूछा कि मुझे यहाँ अपनी सर्विस देनी है, मैं योगा ट्रेनर हूँ और प्राणिक हीलिंग कराती हूँ। तो उन्होंने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, हमें बहुत ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ बहुत लोग डिप्रेशन में, खासकर लेडीज। उन्होंने मेरे लिए लेडीज़ को फोकस करने के लिए। तो मैंने शुरुआत करी और पहले तो थोड़ा सा सामना करने में दिक्कत तो लगती है, क्योंकि हमें नहीं पता वो क्या सोच रहा है। बल्कि कई बार मेरे साथ के कुछ लोगों ने कुछ सवाल कर लिए तो उन्होंने बोला क्या हम देखने की चीज़ हैं। तो मुझे लगा कि हमको बहुत सेंसिटिव पार्ट है, बहुत ध्यान से काम करना। तो कभी भी हम उनके प्रॉब्लम के लिए ऐसे नहीं पूछते क्यों आए हम। जो प्राणिक हीलिंग है वो बड़ा बहुत मानवीयता के साथ, मतलब संवेदनशीलता के साथ बात करने के लिए हमको प्रेरित करता है, और वो चीज़ इन लोगों को इफेक्ट करती है और वो मेरे साथ खुलते हैं और घुल मिल के रहते हैं फिर बड़े अच्छे से। आपने प्राणिक हीलिंग, जिसको हम कॉस्मिक हीलिंग भी कहते हैं, उसकी बात की, और ये शायद कोई कॉस्मिक कनेक्शन ही रहा होगा कि आपको यहाँ जगह मिली, आपको यहीं घर बनाना था और उसके बाद आप यहाँ आ गई। लेकिन घर वालों की तरफ से कभी इस चीज़ को लेकर अपोज नहीं हुआ? फैमिली में किसी ने ये नहीं कहा कि अरे आप ये क्या काम कर रहे हैं, ये कैसा काम है? असल में मेरे को 33 साल हो गए, फकोट से शुरू किया था मैंने। तो फकोट में वहाँ नीडी बच्चे थे जो नंगे ठंड में बिना कपड़ों के आते थे, तो वहाँ से शुरू किया। तो इनको अच्छा लगता था, कभी दिक्कत नहीं करी। यहाँ जब मैंने ये काम शुरू किया तो भी इन्होंने कोई ये ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते कि कहाँ जा रही, उन्हें पता है कि गलत काम नहीं करेगी। तो पूरा परिवार का सपोर्ट है, मैं पूरा अपना देती हूँ, घर के लिए भी कोशिश करती हूँ पूरा अपना सपोर्ट करने के लिए, और यहाँ भी मेरे को परिवार से काफ़ी सपोर्ट है, तभी मैं काम कर पा रही हूँ। फाइनेंशियली भी आपको स्ट्रॉन्ग होना है, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, तो हर चीज़ में मेरे को सपोर्ट कर। मनोरभाव, उसकी शुरुआत कैसे हुई और पर्टिकुलरली जेल में आप किस किस तरह के एक्टिविटीज़ कराती हैं? मनोभाव की शुरुआत तो ऐसे हुई कि मैंने अब तक 13 बच्चे घर में पढ़ा चुकी, नीडी बच्चे, तो जिनके माँ बाप उनको पालने पोसने में समर्थ नहीं थे। तो उसी एक बच्चे के लिए मुझे स्कूल, सरकारी स्कूल में एडमिशन लिए जाना था। वहाँ मैंने देखा कि बहुत ही बुरी हालत है, आज से 35 साल पहले की बात है। तो वहाँ उनको खाने को नहीं होता था, माँ बाप मजदूरी करने जा रहे हैं, बच्चे भूखे आ रहे हैं, कई बार बच्चे गिर गए चक्कर खा के, या ठंड में बिना कपड़ों के। तो वहाँ से मुझे लगा कि कुछ करना चाहिए, हम लोगों के पास बहुत कुछ है कि जो हम एक हिस्सा निकाल के दे सकते हैं। तो मेरी पार्वती कटियार थी हमारे सीनियर साइंटिस्ट, उनके मिसेज मिसेज श्रीवास्तव, बीना गर्ग, आशा बगुना, कई हमारा ग्रुप था, उनसे बात की। हमने थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करना शुरू किया और उनके लिए चना मुरमुरा की व्यवस्था की, उसमें भूखे आते थे। अभी तो मिड डे मील है, पहले कुछ नहीं था, और बच्चे आवारा घूम रहे हैं, सड़क से बीड़ी उठा के पी रहे हैं, या पापा के जो पाउच होता था शराब का उससे पी लेते थे कि देखो पापा ऐसे पीते हैं। तो मुझे बहुत बुरा लगा। तब हमने उनके लिए काम करना शुरू किया कि स्कूल के बाद जो टाइम हुआ है उनका, उनके लिए इवनिंग क्लासेस शुरू करी, और आज तक वो हमारा काम चल रहा है, बच्चे को बहुत अच्छे रिजल्ट। अभी तक आपने जितने लोगों को ये ट्रेनिंग दी है उसमें से कोई एक ऐसा केस जिसको आपको लगा हो कि ये मेरे लिए लाइफ का बहुत चैलेंजिंग केस था, एक तो वो, और किस किस तरह के कैदियों के साथ आपने ये सेशन किए हैं? चैलेंजिंग तो पता क्या होता है कि जो बच्चों में जाती हूँ, बच्चे बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, जो गलती से आ जाते हैं या नासमझी से आते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा रोते रहते हैं बैठ के। कुछ बच्चे तो परवाह नहीं है, जैसे नशे वाले बच्चे हैं जिनको चोरी की आदत है, और जो बाई चांस अपने दोस्तों के चक्कर में आ गए या कुछ गलती से, वो बहुत डिप्रेशन में रहते हैं। खासकर जो दूसरे शहर के बच्चे हैं,
तो ऐसी एक केस था मेरे पास बिहार साइड का। वो बच्चा 19 साल का लड़का, उसकी शादी कर दी थी उसकी दूसरी बहन से, मुस्लिम था, और वो शादी के बाद यहाँ कमाने के लिए आया था अपने बुआ के बच्चों के साथ। उन लोगों ने कुछ गलती करी, चोरी करी, और ये भी जेल में था, रोता रहता था। मैंने उसको कितनी बार बोला बैठो क्लास में, एक किनारे बैठ कर रोता था। पूछा तो पता चला उसके बच्चा होने वाला था, घर में उसके पापा को पसंद नहीं थी वो कि उसकी मम्मी ने उसकी शादी कर दी, और उसको मारते पीटते थे कि वो तेरे को शादी करके भाग गया, और वो यहाँ जेल था, वो कॉन्टैक्ट नहीं कर पा रहा था। तो फिर मैंने कॉन्टैक्ट किया, पूछा उसके हालचाल पूछे, तो पता चला कि बहुत रो रही थी कि मैं सुसाइड कर लूँगी। थोड़ा फाइनेंशियल हेल्प करी और बोला कि घर में बोलो कि वो अभी उसको काम नहीं है और आएगा जल्दी। तो उसको थोड़ा हेल्प करी, इधर इसको मोटिवेट किया, हीलिंग में आया, और वो आज के दिन में उसने घर वापस जाके उस लड़के ने जिद पकड़ ली कि मैडम क्या रहना है, मतलब इतना ज़्यादा वो अटैच हो गई थी। फिर उसने अपना घर बना लिया और आज अपने काम पर है। और दूसरा एक केस था कि जुबैर नाम का बच्चा, जो जाते जाते लेटर लिखे गया कि मैंने मतलब बहुत अच्छा माहौल देखा यहाँ जेनेट सर का सबका, और मैं मतलब कभी गलती नहीं करूँगा, मैडम आई, मैडम ने जो हमें सिखाया उसको ज़िंदगी भर याद रखूँगा, ना गलती करूँगा ना किसी को करने दूँगा, तो लेटर लिखे गए, तो ये बहुत अचीवमेंट। कोई ऐसा मामला जैसे कोई बहुत सीवियर क्राइम के लिए कोई आया हो और वो आपकी क्लास में आया हो, क्योंकि आमतौर पर जो जघन्य अपराध में आते हैं उनको लेकर एक थोड़ा सा डर सा भी रहता है, जो बहुत सारे केसेस आपके साथ ऐसे मैंने देखा अपनी क्लास में, कई सारे ऐसे लोग थे जो हाईली एजुकेटेड भी थे और वो किन्हीं कारणों से किसी मामले में संलिप्त थे। नहीं, मतलब इस क्लास में पता कौन आते हैं, मैक्सिमम इनोसेंट होंगे, मतलब जिनकी गलती कम होगी, किसी कारण से फंस गए, मतलब यहाँ जो माइंड से क्रिमिनल होंगे वो नहीं आ पाते। मतलब ये एक स्पिरिचुअल क्लास है, उसमें प्योरिटी आपके मायने रखती है, तो जो है अच्छे पर बाई चांस गलती कर बैठे और वो पश्चाताप करना चाहते हैं तो वो ही पहुँच पाते हैं यहाँ, नंबर एक। दूसरा, क्रिमिनल आए जिन्होंने किया उनका, पर अब वो प्रोसेस में है, उसमें अच्छे होने की प्रोसेस में, और बहुत ही डिवोटी, इतने ज़्यादा सेंसिटिव, उनको कलर दिख जाते हैं और हमें इतनी अच्छी हीलिंग करते हैं, अंदर पूरा स्प्रेड करने में बहुत हेल्प कर रहे हैं। अभी एक का किस्सा है, बल्कि सबको मालूम है, बच्चा बहुत अच्छे घर का है, बहुत जल्दी गुस्सा आता है, वो मर्डर करके आया अभी तक, तो उसने किसी ने उसको ईगो को हर्ट किया और उसने कैंची मार दी उसको, सर को बहुत गुस्सा आया, उसको तनाई में भेज दिया और बहुत ज़्यादा उसके लिए वो हो रहा था माहौल ख़राब। उसके पेरेंट्स को बुलाया गया था, पापा की डेथ हो गई थी, उसके हाल ही में पुलिस में थे, तो उसके लिए मैंने जिम्मेदारी ली कि मेरे को परमिशन दीजिए, मैं इसकी काउंसलिंग करूँगी कि कम से कम इसका आगे लाइफ ख़राब ना होना, क्योंकि वो हैबिट बन रही थी, 2-3 बार वो इस तरह से आ गया था अपने गुस्से में। 2 महीने की हीलिंग के बाद मेरे जो ग्रुप के लोग, उन्होंने हीलिंग करी, मैंने काउंसलिंग करी, अच्छी बुक्स दी उसको मोटिवेशन, और आज के दिन में वो खुद कहता है कि मैं अंदर से बहुत बदल गया हूँ, और उसको पनिशमेंट जो था उसका तनाई का वो भी ख़त्म हो गया, उसके पेरेंट्स भी थैंक्स करते हैं, बहुत फ़र्क पड़ा उसको। कभी ऐसा हुआ है कि आपकी क्लास में किसी ने जब कंटिन्यू आए उसके बाद आपको लगा कि इसमें चेंज दिख रहा है, लेकिन यहाँ से जाने के बाद उनका एक्सपीरियंस शेयर किया हो? क्योंकि आमतौर पर जेल को लेके लोगों के पूर्वाग्रह होते हैं, कोई अगर किसी अपराध में या किसी जाने अनजाने किए हुए क्राइम में या कोई गलती से कोई क्राइम कर बैठता है उसमें अंदर आ जाता है तो सोसाइटी में उसके लेकर एक पूर्वाग्रह बन जाता है, तो ऐसे में उस चीज़ को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है जब वो यहाँ से जाता है। तो कभी इन लोगों ने अपनी स्टोरी आपसे शेयर की है कि बाहर जाने के बाद उनके एक्सपीरियंस कैसे रहे? नहीं, अच्छा कुछ परसेंट है जो हमें फेलियर वाला बोलूँगी, मैं फेलियर तो नहीं बोलूँगी, उनको अवेयरनेस है कि गलती कर रहे हैं, जो हैबिट वाले होते हैं ना, पर कहीं किसी कारण से उनको प्योरिटी का नॉलेज है कि मैं अच्छे काम करने हैं मुझे, तो कोशिश करी। यहाँ उन्होंने बहुत अच्छी हीलिंग करी, एक दो तो ऐसे थे वो क्लियरमेंट थे, वो जज साहब के बच्चे की हीलिंग करी, जो रेयर केस था, ब्रेन का प्रॉब्लम था उसको, उसने उनका उसके प्रॉब्लम को ठीक किया, 50% वो एक दो हीलिंग में ठीक हुआ, पर वो बाहर जाके फिर से उसी तरह से मतलब माइंड सेट हो गया, गलती तो नहीं करी उसने पर उतना प्योरिटी नहीं रहती, क्योंकि ये चीज़ भी प्रैक्टिस की चीज़ है, अगर आप रोज़ नहाएंगे नहीं, डेली खाएंगे नहीं, तो आपका ग्रोथ नहीं होगी, है ना, उसी तरह से ये स्पिरिचुअल प्रैक्टिस रेगुलर की है, रेगुलर अपनी सफाई करनी पड़ती है, तो रिजल्ट है, अच्छे रिजल्ट इतने हैं कि बाहर जा कर के लोग कॉन्टैक्ट में रहते हैं, बताते रहते हैं अपनी रिपोर्ट की हमने क्या क्या कर रहे हैं। अभी हमने सुना है कि आप बहुत सारे कैदियों के बच्चों की फीस भर देती हैं, अरे बहुत सारों को सपोर्ट साथ में रख लेती हैं,
तो ये कैसे हुआ और इसको लेकर भी क्या घर में कभी इस बारे में बात होती है कि भाई ठीक है आप कोई काम घर से बाहर कर रही हैं लेकिन आप तो घर ही ले आई हैं? हाँ नहीं, बच्चों को फर्क पड़ता था जब मैं तो ये शुरू से कर रही हूँ, तो जब बच्चे, मेरी बेटी खासकर बहुत सेंसिटिव है, तो उस समय मेरे पास 4 भाई बहन थे, मतलब फकोड़ से लेकर के अब तक 13 बच्चे पढ़ चुके मेरे पास। तो वो क्या होता था, जब मैं कभी उनके लिए स्पेशल खिला नहीं पाई, कुछ नहीं, एक ट्रॉफी तक नहीं लाई, क्यों? क्योंकि मुझे सबके लिए देखना है। तो मेरी बेटी कहती थी कि हम हमेशा ऐसे रहेंगे, जब कुछ खाने बैठो तो वो मुँह के आगे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो नीडी पर्सन है। और मैंने मांगने नहीं गई, मैं बुलाने नहीं गई, बाई चांस किसी ने बताया कि ये बच्चे इतने प्रॉब्लम में सड़क में घूम रहे हैं, अच्छे घर के हैं, और माँ स्लो लर्नर है, पापा अल्कोहलिक हैं, रात में बाहर निकाल देते हैं शराब पी के। तो मैंने अनाथ आश्रम छोड़ा था पहले, पर वहाँ उन्होंने हरकतें कुछ ऐसी की, उनको हैबिट भी नहीं सिखाई थी सफाई की कुछ भी, तो उन्होंने फिर निकाला और पापा उसके लड़ाई करने लगे, मेरे बच्चों को कहाँ छोड़ा, वापस लाओ। तो फिर उनमें से एक बच्चा जो सबसे सेंसिटिव था अपने रिलेटिव क्या पढ़ रहा था, तो पढ़ने के बजाय वो उससे काम कराते थे, तो उसको लेके आई, तो थ्रू आउट फर्स्ट क्लास निकला। और आज वो नवोदय में एडमिट हुआ, फिर नवोदय करके उसने यहाँ पॉलिटेक्निक किया, पॉलिटेक्निक बाद उसने अपना बिजनेस शुरू किया मशरूम का, और आज बहुत अच्छा से काम कर रहा है, उसकी बहन भी। और इस तरह से मतलब जो लगता है कि मेरे एक टुकड़ा देने से फ़र्क पड़ेगा, तो अब मेरा परिवार भी साथ देते। पहले बच्चों को, बेटी को खासकर सेंसिटिव थी ना वो, उसको लगता था कि मम्मी पूरा होल टाइम सबको देती हैं, बाहर देती हैं, घर में भी देती हैं, पर अभी वो शेयरिंग करना सीख गए, मेरे को सपोर्ट करते हैं फाइनेंशियली सबके सब। और कोई एक कोई केस आपको ध्यान आता है? हाँ, मतलब यहाँ मैं जब शुरुआत में आई तो दो तो सर ने बताया था कि डिप्रेशन के केस हैं। एक लेडी थी जो टेरी साइड की थी, वो हमेशा बोलती थी कि तू मुझे यहाँ से निकाल दे, मेरे को इस मिट्टी में नहीं मरना। वो इनोसेंट थी, फंसाया गया था, जो भी था उनके हस्बैंड की गलती थी, पर वो जब देखो रोती थी, फिर धीरे धीरे उनको मोटिवेट किया, उनको एक तरह से अडॉप्ट किया, उनकी छोटी मोटी ज़रूरतें पूरी करते थे परमिशन लेके हम, और जो उनको चाहिए, फिर वो हैप्पीनेस आई, उनको खुश होने लगी, फिर कि मेरे को बाहर ले जा, तो किसी भी तरह बाहर ले जा। बाई चांस वो निकल गई, तो निकलने के बाद उनको रिसीव करने वाला कोई नहीं था, ना उनका बच्चा था, ना क्योंकि उनके हस्बैंड मर्डर का केस था, तो उनको मैंने लेके गई, क्योंकि रिसीव करने के लिए कोई नहीं था। गांव में बात कर रहे हैं प्रधान से सबसे कि नहीं नहीं यहाँ नहीं आना है, जिनके यहाँ केस हुआ है वो लोग बहुत इनके खिलाफ हैं, इनको एंटर नहीं करना है गांव में। तो मैंने कहा, जबकि पता है सबको गलती उनकी नहीं है, फिर भी फिर 2 महीने रखा उनको अपने पास, अपने ग्रुप के साथ, और यहाँ से एक पुलिस वाले के, सर की परमिशन से पुलिस वाले के साथ गए हम गाँव में, छोड़ के आए। आज के दिन उनका अपनी झोपड़ी भी बन गई, बना दी, एक मिल गए थे सज्जन जिन्होंने सपोर्ट किया, कुछ यहाँ से डॉक्टर साहब सब लोगों ने हेल्प की उनकी, और हम लोगों ने की, कुछ उनके अपने पैसे थे, आज उनका बहुत अपने आप बना रही है, 80 साल की अपना खाना बना के खा रही हैं, गाँव वाले हेल्प कर रहे हैं, तो ये बहुत अचीवमेंट है हमारा। बहुत सारे लोग साइलेंटली काम करते हैं, समाज में बहुत सारे लोग होते हैं जो काम उनका उस स्तर का नहीं होता, लेकिन वो दिखाते हैं कि वो बहुत कर रहे हैं। आप जैसे लोग जो साइलेंटली काम करते हैं, बहुत कम मामले होते हैं जो सामने आ पाते हैं, पब्लिक डोमेन में आ पाते हैं। इतने साल आपको काम करते हुए हो गए, फ्लैशबैक कभी देखती हैं तो कैसा लगता है? मुझे लगता है कि मैं किसी भी टाइम अगर ऊपर भी जाऊंगी ना, तो मुझे अफसोस नहीं है कि मैंने अपने जीवन को यूज किया। तो देखा आपने, इस स्टोरी को दिखाने का हमारा मकसद ये था कि जेल को लेकर हम लोगों के कुछ पूर्वाग्रह होते हैं। जेल में कई तरह के लोग आते हैं, कुछ ऐसे जो जघन्य अपराधों में आते हैं, कुछ ऐसे जो अपराधों में संलिप्तता के साथ आते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो किसी कारणवश किसी अपराध में फंस जाते हैं, और कुछ जाने अनजाने में कुछ अपराध कर लें। लेकिन जब वो अपनी सजा काटने के बाद यहाँ से जाएं, तो उन्हें कैसे बेहतर इंसान बना के वापस भेजा जाए सोसाइटी में, ताकि वो उस सोसाइटी का दोबारा हिस्सा बन सके, उस मुख्यधारा से दोबारा जुड़ सके। और कुछ ऐसी ही कोशिश गिरिबाला जुयाल जी कर रही हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप, आज हमने आपके साथ जो देखा, जो समझा, उससे जेल को लेकर जो हमारी भी एक धारणा वो भी टूटी। और कई सारे काम ऐसे हैं, आर्ट्स वाला मैंने देखा, मुझे बड़ा मजा आया, कितना जबरदस्त काम हो रहा है, आप पेंटिंग कर रहे हैं, सारे लकड़ियों पर काम कर रहे हैं, वेविंग हो रही है, तमाम तरह के काम हो रहे हैं। और जेल प्रशासन कितना अच्छा काम कर रहा है, ये भी हमें देखने को मिला, उनसे बात करके समझ में आया कि वाकई अगर आप चेंज लाना चाहते हैं तो पॉजिटिव चेंज कहीं भी लाया जा सकता है।
तो बस आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपसे एक वही अपील जो हमेशा होती है कि अगर आपको लगता है कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारा चैनल जिसका नाम है तिरंदाज लाइफ।